तमिल की जो खोज है, खोज डिस्कवरी किसने की है, तो वो है लूनिंग नामक साइंटिस्ट है ना। इन्होंने इसको 1881 में इसकी खोज की थी, 1881 में, ठीक है। और इसको आगे चलकर समर्थन जिस व्यक्ति ने दिया, जिस व्यक्ति ने इनका समर्थन किया कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, तो वो थे एक्स मैन जो है, वो व्यक्ति है, उन्होंने इनको समर्थन दिया और समर्थन किया इनका। ये बात है सन 1897 की, ठीक है। तो इक्समैन ने इनका समर्थन किया और इक्समैन ही वो व्यक्ति है जिनके बारे में अभी मैं बता रहा था कि पॉलिश किए हुए चावल में के कारण जो हमको रोग होता है बेरी बेरी, उसका कारण क्या है, क्योंकि उससे एक विटामिन बाहर हो जाता है और पॉलिश करने से वो विटामिन हट जाता है। इस कारण जो अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि बेरी बेरी रोग क्या है, ये सब चीजें। फिलहाल हमको ये देखना है कि बस ये शुरुआत कैसे होती। तो इक्समैन जो है, इन्होंने पहली चीज तो इन्होंने लूनिंग का समर्थन किया और उसके बाद इन्होंने इस समर्थन करने के बाद इन्होंने बेरी बेरी रोग के बारे में अपनी डिटेल दी और माना कि हाँ जो लूनिंग साहब कह रहे थे वो करेक्ट बात थी। आगे चलकर 1912 में हॉपकिंस और एक व्यक्ति है फंक, उन्होंने इस पे काफी काम किया और 1912 में नाम दिया। अगर आपसे कभी एक प्रश्न पूछा जाए कि अक्सर लोगों को पता है कि विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की, फंक ने नहीं की है, फंक ने इस विटामिन का नामकरण किया है। नामकरण किया नहीं है कि उन्होंने ये नाम दिया है, किसका, विटामिन का। तो इसकी खोज इन्होंने नहीं की है बल्कि नामकरण किया है। तो ये बात जो है, आई होप यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, विटामिन्स की जो कमी होती है, विटामिन की अगर देखा जाए, इसकी कमी से अपूर्णता रोग होता है, अपूर्णता रोग होता है, जिसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। डिफिशियंसी यानी ये हमारे शरीर में ना हो, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको अपूर्णता रोग या डिफिशियंसी रोग कहते हैं। और विटामिन्स हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हालांकि पहले इसकी समझ नहीं थी लोगों को, बट धीरे धीरे अब जब साइंस ने इसको डिस्कवर किया, आगे हम देख ही रहे हैं। तो अपूर्णता रोग, जिसको कि डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं, ये चीज हमारे शरीर में इसका संचयन बहुत कम होता है। हमारे शरीर में इसका जो संचयन है विटामिन का, बहुत कम होता है, बल्कि ना के बराबर होता है। ऐसा क्यों? जब इंसान मनुष्य के मूत्र से, ये जब तक हमारे पेट में बना रहता है तब तक तो ये रहता है, बाकी ये मूत्र के साथ जो है विटामिन बाहर हो जाता है। तो विटामिन हमें कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है। हालांकि दो विटामिन ऐसे हैं जिनको कि हमारा शरीर निर्मित कर लेता है, तो वो आगे की बात है। फिलहाल हमको ये समझना है कि इसका जो स्टोरेज है वो स्टोरेज नहीं है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स ने वसा के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि वसा है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर में जमा रहता है, ठीक है, स्टोर रहता है, ठीक है। उस वजह से हमको एक लंबे वक्त तक सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन विटामिन्स के केस में ऐसा नहीं है। यह हमारे शरीर में ना के बराबर रहता है, रुकता ही नहीं है। एक मिनट, हाँ, यह हमारे शरीर में नहीं रुकता है। अब जब नहीं रुकता है तो हमको इसको लेते रहना होगा। याद रखें, इसका जो संचयन है
वो बहुत कम है और मूत्र के साथ जो यूरिन है यूरिन के थ्रू विटामिन बाहर जाते रहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग शरीर में संचयन बहुत कम होता है। अब इसका अगर हम इसको इसके अगर कार्य की बात करें इसका काम क्या है हमारे शरीर में, इसका हमारे शरीर में क्या काम है, तो याद रखें ये ना तो हमारे शरीर को बनाता है तो ये नहीं बनाता है। तो क्या हमको ये ऊर्जा देता है, नहीं देता है, ठीक है, ये किसी और तरह का सपोर्ट हमको नहीं करता है, ठीक है, ना तो ये बॉडी बनाने में आपको सहयोग करेगा और ना ही आपको इंस्टेंट एनर्जी को छोड़िए ये आपको एनर्जी ही नहीं देगा। इसका काम क्या है, इसका काम है रक्षा करना, ठीक है, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म होता है उपापचयी क्रिया उसमें ये भाग लेता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो रक्षा करना, उपापचयी क्रिया, और सबसे आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये हमारे बॉडी रिएक्शन को मेंटेन करता है, यानी कि बॉडी रिएक्शन में ये भाग लेता है। अब बॉडी रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, पहले इस चीज को समझ लें। सपोज मैं आपको देख रहा हूं, लुकिंग एट यू, जब मैं देख रहा हूं तो काम तो आंखों का है, लेकिन अगर विटामिन ए उसमें नहीं हो तो क्या मतलब आंख पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे शरीर को जो है प्रोटीन और वसा वो सारी चीजें मिल गई हैं, लेकिन क्योंकि मैं देखने वाला अगर काम कर रहा हूं, एक ये बॉडी रिएक्शन है, इसको कौन मेंटेन करेगा, विटामिन करेगा। मुझे ब्लड मतलब कहीं कट लग गया है और ब्लड जो है रिलीज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको कौन रोकेगा, उसको कौन उस रिएक्शन उसके साथ जो रिएक्शन हो रहा होगा रोकने का, थक्का बनाने का, वो कौन करेगा, तो वो करेगा अपना विटामिन भाई, ठीक है। सो विटामिन्स का जो रोल है वो ये तीन बातें याद रखें आप। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जिसमें हम पाते हैं कि शिशुओं की वृद्धि में विटामिन्स का बहुत ज्यादा यूज है, तो है, लेकिन वो किस केस में है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो एक अलग बात है। बाकी वृद्धि से मतलब नहीं है इसका, ना तो ये एनर्जी देगा ना ही ये बॉडी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर आज के समय में हम बात करें तो लगभग 20 टाइप के 20 प्रकार के विटामिन्स खोजे जा चुके हैं, 20 प्रकार के विटामिन्स खोजे जा चुके हैं, और हमारे शरीर को जो एसेंशियल है, जो जरूरी है, वो कितने हैं, वो 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ओके। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी यहां तक। ये मैं एक आप लोगों को बेस बता रहा हूं, क्योंकि इसके टाइप पर डायरेक्ट जाना जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। और जैसे हम जो छोटी 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 बातें हैं वो सब जितने अलग टाइप्स हैं उनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो विटामिन्स को वहां पर हम और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन ये इसका एकदम बेसिक था वो मैंने आपको बताया। और मैं बस 5-10 सेकंड में आ रहा हूँ और मैं इसको एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम बात करें विटामिन्स की तो विटामिन्स जो है वो इसको सहूलियत के लिए मान के चलिए ये दो प्रकार में दो भागों में बांटे गए हैं, एक जो जल में घुलनशील है और एक वसा में घुलनशील है। तो जल में कौन कौन से घुलनशील है और वसा में, तो जल में जो घुलनशील है वो बी एंड सी,
बी विटामिन बी और सी, हालांकि बी कॉम्प्लेक्स बी के सब टाइप्स भी हैं, वो एक वो आगे की बात है। बी और सी जल में घुलनशील है और जिस चीज में भी फैट होगा, फैट की जगह आप याद रखिए लिपिड, वहां पे क्या होगा, वो विटामिन कौन कौन से होंगे, ए डी ई के, तो ये विटामिन हमको देखने हैं। विटामिन को सुविधा के लिए दो प्रकार से वैज्ञानिकों ने इसको बांट रखा है, एक जो जल में घुलनशील है, एक वसा में, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर आप लोगों को जो सवाल है वो पूछिए, बाकी हम लोग इनकी जो इनके जो टाइप्स है उस पर जाते हैं एक एक करके डिस्कस करते हुए। देखिये विटामिन जिसको वाइटामिन भी बोलते हैं और शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी जो खोज है वो 1881 में लूनिन ने की थी। किसने की थी? लूनिन ने। एक्स मैन ने इनको समर्थन किया 1897 में, 1897 एडी में इनका इनको सपोर्ट, इनके जो इनका जो मत था उसका समर्थन किया और माना कि हाँ वो सही कह रहे थे। कारण क्या था, उस समय बेरी बेरी रोग बहुत फैला हुआ था और ये कहीं ना कहीं इस नतीजे पे, इस परिणाम में पहुंच पाए कि जो पॉलिश किया हुआ चावल है उस कारण बेरी बेरी रोग फैल रहा है। और इसके आगे बढ़े तो हॉपकिंस और फंक 1912 में इन्होंने इसको इसको मूर्त रूप दिया, यानी इसको सबसे एंड में फाइनली किन के नाम से हम जानेंगे, हॉपकिंस और फंक। फंक वो व्यक्ति है, फंक ने खोज नहीं की है बल्कि फंक ने नामकरण किया है, ठीक है। इसकी खोज लूनिन ने की थी और नामकरण किया, इसका नाम क्या रखा, विटामिन। देखिए विटामिन जो है वो आज के समय में 20 प्रकार के खोजे जा चुके हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के, और 13 प्रकार 13 टाइप्स के ऐसे हैं जो इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, आवश्यक है, ठीक है। तो ये बात कि इनके टाइप्स की हमने बात कर ली। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन की जो कमी से रोग होता है उसको अपूर्णता रोग या डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे, इंग्लिश में इसको डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। इसकी कमी से अपूर्णता रोग होगा। शरीर में इसका संचयन स्टोरेज बहुत कम है बल्कि ना के बराबर है, जैसे विटामिन सी हमारे शरीर में रुकता ही नहीं है, इसीलिए हमको प्रॉपरली उसको जो है लेते रहना चाहिए, उसका जो भी रेशियो हो, ठीक है। तो इसका संचयन बहुत कम होता है और यूरिन के थ्रू, मूत्र के थ्रू ये जो विटामिन है वो रिलीज होते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, इसीलिए इसको हमको डेली का जो हमारा जो भोजन है उसमें इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे, इनका काम क्या है, इनका कार्य क्या है, तो शरीर को बनाना इनका काम नहीं है, बॉडी फॉर्मेशन इनका काम नहीं है, ना ही हमारे बॉडी को हमको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। इनका काम है रक्षा करना शरीर को, हमारे तरह तरह के रोगों से ये हमको बचाते हैं, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं में मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बॉडी रिएक्शन, जो हमारे बॉडी का रिएक्शन होता है उसको ये मेंटेन करते हैं या उसको सक्रिय करते हैं। चलिए विटामिन की अगर कैटेगरी की बात करें, इसके वर्गीकरण की, तो वैज्ञानिकों ने इसको दो प्रकार से बांटा है, एक तो कि जल में घुलनशील, ठीक है, तो याद रखें बी और सी, बी सी, ठीक है। तो ये दो अगर आपको मालूम है तो फिर वसा में कौन कौन से वो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, वसा में ए डी ई के,